ये देखिए क्या वो पेट्रोल खत्म हो गया है, बैठ आराम से चला भाई, आराम से चला, क्या हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बरसाने में हमारा लास्ट डे है, अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हम लोग 3 बजे निकले थे राधा रानी टेम्पल के लिए और 6:30 बजे हम लोग अपने रूम में आ गए थे, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और अब इस सुंदर सी नगरी को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। यहाँ से दिल्ली जो है वो लगभग 3 घंटा दूर है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि फरीदाबाद वाले रास्ते से जाए या फिर जाए यमुना एक्सप्रेसवे से। फरीदाबाद वाला जो रोड है वो है तो शॉर्टकट, बट वो सिंगल लेन हाईवे है, ऊपर से अभी रात हो रही है तो थोड़ा शायद प्रॉब्लम होगी हमें। आज संडे का दिन है और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारे दर्शन तो हो गए बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी मैं आप लोग को बता नहीं सकता। लगभग 4 से 5 लाख लोग आराम से आए होंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमारी आंखों के सामने ही कम से कम 20 से 25 औरतें जो है बेहोश हो गई थी भीड़ की वजह से। राधा रानी मंदिर की टाइमिंग जो है वो 8:30 बजे तक है और अभी बज रहे हैं 7:30, तो अभी लास्ट का 1 घंटा है और ये आप पूरी भीड़ देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी यहाँ पर। यहाँ से जो मंदिर की एंट्री है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ पे इतनी भीड़ है तो आप सोच सकते हैं कि आगे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। ये देखिए आज यहाँ की होली देख के मैं समझ गया कि यहाँ की होली पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है। मैं अपनी राइडिंग जैकेट का जो लाइनर होता है वो घर पे भूल गया था, जिस वजह से अभी मुझे थोड़ा ठंड लग रही है। और फाइनली हमने ये डिसाइड भी कर लिया है कि हम फरीदाबाद वाले हाईवे से नहीं जा रहे, हम यमुना एक्सप्रेसवे से ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो दोस्तों अभी रुके हैं पेट्रोल डलाने के लिए, भैया फुल कर देना। नॉर्मल डालना, तो दोस्तों हमारी टंकी फुल हुई है 670 रुपये में, 7 लीटर पेट्रोल डला है, तो इसका मतलब 7 लीटर तेल में हम लोग दिल्ली से वृंदावन पहुँचे, फिर वृंदावन से बरसाने और बरसाने से लगभग 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं अभी हम। अभी मैंने हिसाब लगाया तो लगभग 30 की एवरेज दी है हमारी बाइक ने, 210 किलोमीटर चली है हमारी बाइक और 7 लीटर तेल यूज़ हुआ है, तो लगभग 30 के करीब एवरेज निकाली है इस बाइक ने। वैसे मुझे उम्मीद 35 की थी बट कोई नहीं, 30 से भी काम चला लेंगे। एक गलती मुझसे एक और हो गई है कि जो मेरा हेलमेट है उसका वाइज़र जो है ब्लैक कलर का है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बाइक चलाने में। मुझे बार बार शीशा ऊपर करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है मुझे, और जिस वजह से आँख में काफ़ी धूल मिट्टी जा रही है। पहले हमारा प्लान था कि हम संडे की सुबह निकल जाएंगे या मैक्स टू मैक्स दिन तक निकल जाएंगे तो शाम को घर पहुंच जाएंगे, बट बरसाने हम टाइम से पहुंचे नहीं और 12:30 से 4:30 तक वो बंद होता है, इसलिए हमने जो दर्शन है वो 4:30 बजे के बाद करे और हमें निकलते निकलते रात हो गई। दोस्तों ये पूरा ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, क्योंकि एक तो मंदिरों में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है, साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ रही है, फिर रूम पे जाके वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है। हम लगभग 10-11 बजे तक घर पहुंचेंगे, फिर कल सुबह दोबारा ऑफिस निकलना है, 9-9:30 बजे तक हमें पहुंचना होता है ऑफिस। तो दोस्तों अभी पहला टोल आ चुका है, देखते हैं कि ये भी बाइक के लिए फ्री है या नहीं। इस बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या वो पेट्रोल खत्म हो गया है, बैठ
भाई इस पे पता कर ले, इस पे मिल जाएगा मैकेनिक, नहीं होगा? चल कोई नहीं, ठीक है ठीक है, चल भाई। पेट्रोल है? अच्छा चल भाई, ओके। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि जब भी मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे एक ना एक ऐसा ज़रूर मिलता है, या तो जिसकी बाइक ख़राब होती है या इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया होता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था आपके सामने। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे साथ जो मुझे रोज़, मतलब रोज़ तो नहीं, जब भी बाइक चलाता हूँ, चाहे मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ या ऑफिस से घर आ रहा होता हूँ, मुझे एक बंदा 110% मिलता है ऐसा। तो दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मस्ती मस्ती में आगे आ गए हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पीछे छूट गया काफ़ी। तो अब हम जो फरीदाबाद वाला हाईवे है उसी से ही जा रहे हैं, पलवल फरीदाबाद वाला हाईवे। तो दोस्तों अभी लग रही है भूख, और हम रुके हैं बसंत ढाबा पे। तो दोस्तों यहाँ आ चुका है हमारा खाना, मिक्स रायता, शाही पनीर, आलू गोभी, रोटी, दाल मखनी, और यहाँ पे हमारे गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। तो दोस्तों खाना पीना सब कुछ हो गया है, अब निकल रहे सब अपने अपने घर। यहाँ से मेरा घर है लगभग 1.25 घंटा, और भानु औरों का घर है लगभग 1.25 घंटा, क्योंकि मुझे गुड़गांव जाना है और फरीदाबाद से रास्ता कट जाता है, GFR गुड़गांव फरीदाबाद रोड। पिछले 3 दिनों में हम मथुरा, वृंदावन और बरसाने के जितने बड़े बड़े मंदिर थे वो सारे घूमे, और इन मंदिरों में घूमने के बाद मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी यहाँ पर चल रहा है होली महोत्सव, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना आए अभी, क्योंकि यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो दर्शन तो आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे, बट आप अपने आप को तकलीफ़ ही देंगे यहाँ पे आके। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो महिलाएं हैं, जो छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ अभी अवॉइड करें यहाँ पे आना। और जैसे जैसे होली पास आती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे जो लोग हैं, जो भीड़ है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जितनी भीड़ हमने आज देखी है वो तो कुछ भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे अब होने वाली है। तो जिन लोगों को भी मथुरा वृंदावन आना है वो प्लीज़ होली के बाद ही आए, होली से पहले अवॉइड करें। तो दोस्तों अब दूसरा टोल प्लाजा आ चुका है, देखते हैं ये भी फ्री है कि नहीं। इससे पहले जो टोल आया था वो तो फ्री था, और ये वाला भी फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं आपको सिर्फ उसी पे ही टोल देना है, 135 रुपये अगर दिल्ली से मथुरा जाते हैं वन साइड, और अगर आप इस वाले हाईवे से जाते हैं यानी कि फरीदाबाद पलवल वाला जो हाईवे है, तो इससे जाते और आते दोनों वक्त आपने 1 रुपया भी नहीं देना टोल का, ठीक है? है? और तो कुछ नहीं गिरा? आराम से चला भाई, आराम से चला, क्या हो गया? चोट तो नहीं लगी गई? बच गया, ये पता कितना ऊपर था? ये तेरे हेलमेट से भी ऊपर था।
सीरियसली बता रहा हूँ, तेरे हेलमेट से भी ऊपर था ये। गाइस अभी भानु का एक्सीडेंट होते होते बच गया। मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। ये इधर से आ रहा था, इसको लगा ये ऐसे मोड़ेगा, बट ये स्पीड में था, ये इधर से ऊपर चला गया। वो देखो अब बाइक वहाँ है उसकी, और ये इतनी ऊपर हो गए, मतलब इतनी ऊपर उछल गए थे ये दोनों कि भानु से ऊपर उछल गया था वो। उस भगवान का शुक्र है कि बच गए। आराम से ला पीछे, आराम से ला। आराम से ला, आराम से ला, चल ला ला। हैं बेटा, ये शुक्र मना कि वो उछल के बाइक पे ही गिरा, नहीं तो ये जाता उस तरफ। और भी कुछ गिरा था यार, फोन भी गिरा था, एक चीज और गिरी थी। दो फोन गिरे थे। अच्छा, दोनों फोन गिरे थे, ठीक है। उठा लिए ना, टूट गया दिखा। ये तो पहले से था, क्रैक आया दो तीन बार में। अबे जान बच गई, फोन तो नया आ जाएगा। ओ भाई पीछे चल, आराम से चला। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये दोनों बच गए। उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था, अगर कैमरा ऑन होता मैं आप लोगों को दिखाता कि ये कितनी ऊपर उछले थे दोनों। और इतनी ऊपर उछलने के बाद भी भानु के हाथ पैर दोनों हवा में थे, और वो मतलब बाइक उनकी ना गिरी नहीं, बाइक स्ट्रेट ही गई। तो वो दोनों जब ऊपर से हवा में नीचे गिरे तो दोनों बाइक पे ही गिरे, और उस टाइम पे भानु ने हैंडल पकड़ के ब्रेक मार दी। सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। तेरे को स्ट्रेट जाना है, नेविगेशन खोला हुआ है, आराम से जाइयो, और पहुँच के ग्रुप में फ़ोन, ग्रुप में मैसेज या बिल्कुल मुझे फ़ोन कर दियो, और आराम से जाइयो, ठीक है। चल पहुँच आराम से, चोट तो नहीं आई ना पक्का ना दोनों को? आराम से जा, आराम से निकल। तो दोस्तों भानु लोग यहाँ से स्ट्रेट चले गए हैं अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। ये बाटा चौक है, यहाँ से मैं लेफ्ट मुड़ जाऊँगा, जीएफआर पकड़ूंगा, और कुमेर जो है उसको भी यहीं उतारूंगा मैं। कुमेर का घर आगे है यहाँ से, तो कुमेर रैपिडो पकड़ के घर जाएगा। चलो दादा फिर, ठीक है, मिलते हैं ऑफिस में। चलो पहुंच के ग्रुप में मैसेज करना, ठीक है। चलो आराम से जा रहा। तो दोस्तों कुमेर को भी हमने अलविदा कह दिया है। यहाँ से जो मेरा घर है वो लगभग 35-40 मिनट दूर है। तो गाइज अब मेरे GoPro की बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। जैसे पुरानी सारी वीडियोस को आपने प्यार दिया है, वैसे ही इस सीरीज़ को भी आप लोग प्यार देना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। अगर ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अपनी एक और नई सीरीज़ में, टिल देन बाय बाय।